आज मैं इस पत्ते का यूज करके बहुत प्यारा सा इजी सा पेंटिंग बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए ज़रूरत होगा कलर। इसके लिए हम दो कलर लेंगे, ग्रीन देख सकते हैं आप, पिंक। इस दोनों कलर के यूज से अब हम पेंटिंग बनाने जा रहे हैं बटरफ्लाई। चाहे तो आप भी बना सकते हैं। सबसे पहले आप ये जो पत्ता है इसको डिसाइड कर ले कि आपको कितने साइज का पेंटिंग बनाना है। जैसे मैं डिसाइड की हूँ ये, मैं इस साइज और एक इससे थोड़ा सा छोटा, ये मैं इस दोनों को डिसाइड की हूँ। अब इससे मैं बटरफ्लाई बनाऊँगी। अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। अब मैं इस पर सबसे पहले पिंक का यूज करूँगी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। इसके आधे पत्ते पे पिंक का यूज करना है, ऐसे करके अच्छे से, मतलब कि खाली जगह नहीं रहे, नहीं तो वहाँ पे फिर कलर नहीं आ पाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम यूज कर चुके हैं कलर का, मैं ग्रीन का यूज कर रही हूँ। देखिए कि यहाँ पे कलर आ चुका है, मैं कलर लगा चुकी हूँ दोबारा से। अब इसको दोबारा से करने के लिए अब क्या करें, इसके बगल में, जस्ट बगल थोड़ा सा प्लेस छोड़ के ऐसे करके फिर इसको ऐसे डालना है, जैसा कि मैं डाल चुकी हूँ, देख रहे हैं आप, सेम ऐसे ही। अब इस पत्ते को यहाँ से हटा दें, देख सकते हैं। अब दोबारा से नीचे भी यही करना है, चारों साइड हो गया, कितना प्यारा लग रहा है। अब इसको बनाना है बटरफ्लाई, तो इसके लिए हम ब्लैक मार्कर लेंगे या फिर आप यहाँ पे वाटर कलर का भी यूज कर सकते हैं। मैं अभी आपको वाटर कलर का यूज करके बताती हूँ।